बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, जिसमें हम एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 14, चेंजेस हाउसेस, घरों की तब्दीलियाँ। शुरुआत में घर कैसे थे और अब घर कैसे हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। बच्चों, हम घरों में क्यों रहते हैं और घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? जाहिर सी बात है, घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर घर ना हो तो हम किसी भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। बारिश से, धूप से, गर्मी से, ये सब चीज़ों से हमें महफूज हमारा घर ही रखता है। अगर हम हज़ारों साल पहले की बात करें तो लोग नहीं जानते थे कि घर कैसे बनते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर बनाना शुरू किया। उन्होंने पहला घर कहाँ बनाया? पहाड़ के अंदर, यानी कि पहाड़ को खोदकर उसके अंदर रहना शुरू किया। ये उनका पहला घर था और उसे गार कहते हैं, यानी कि केव कहते हैं, ताकि वो महफूज रह सकें, अपने आप को महफूज रख सकें जंगली जानवरों से और गर्मी सर्दी से। लेकिन वो घर भी इतना ज़्यादा आरामदेह नहीं था। फिर लोगों ने और थोड़ा और वक्त गुजरा और सीखा कि दोबारा हम घर कैसे बना सकते हैं जिसमें हम आराम से रह सकें। तो फिर लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया और विलेजेस यानी कि गांव बनाने शुरू किए। लोगों ने घर बनाना शुरू किया टिंकों, स्ट्रॉ और घास फूस वगैरह से घर बनाने शुरू किए। तो ये घर उनके लिए आरामदेह थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा मज़बूत नहीं थे, क्योंकि जब ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें वगैरह होती थी या हवाएं चलती थी तो वो उनके घरों को नुकसान पहुंचाती थी, ख़राब कर देती थी। फिर थोड़ा और वक्त गुजरा, फिर लोगों ने शुरुआत की ऐसे घर बनाने की कि जो हवा से और तूफ़ान से ख़राब ना हो। वो ऐसे करते मिट्टी से और पत्थरों से घर बनाना सीखे उन्होंने। वो मज़बूत थे लेकिन इतने ज़्यादा कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह नहीं थे। फिर लोगों ने ईंटें वगैरह बनानी शुरू की। आपने लाल कलर की ईंटें देखी होंगी ना, फिर लोगों ने उसे बनाना शुरू किया, यानी कि उसे बनाना सीखा, उसे बेक करना यानी कि उसे भट्टी में जलाना सीखा कि वो मज़बूत बन सकें। फिर उससे घर बनाना शुरू किया, चिकनी मिट्टी से घर बनाना शुरू किया और पत्थरों और ब्लॉक्स, जैसे कि हमारे यहाँ ब्लॉक्स होते हैं, उससे घर बनाना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ताला ने इंसान को ये शऊर दिया कि वो अपने घरों को किस तरह से बना सकते हैं अच्छी और बेहतर तरीके से, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने घरों को तब्दील करना शुरू किया, उसके बनाने के अमल को तब्दील करना शुरू किया। शुरू में आपको पता है जो मिट्टी और पत्थरों से घर बनते थे उसके अंदर दरवाज़े मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दरवाज़े भी बनते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने घरों में दरवाज़े लगाना शुरू किए ताकि वो अंदर जा सकें और बाहर आ सकें। लेकिन अभी भी उसके अंदर उन्होंने लॉक नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें लॉक लगाना नहीं आता था और ना ही उन्हें पता था कि लॉक लगाना कितना ज़रूरी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जाना कि डोर में लॉक लगाना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने घर को महफूज रख सकें अजनबियों से, चोरों से और डाकुओं से। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने घर को लॉक करके जाते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से उन लोगों ने भी अपने दरवाज़ों के अंदर लॉक्स लगाए ताकि वो जब कहीं बाहर जाएं किसी काम के लिए तो अपने घर को महफूज करके जाएं, बंद करके जाएं, जिससे अजनबी लोग उनके घरों से दूर रह सकें। फिर लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जब तरक्की याफ्ती दौर आ गया है आज का, तो आप देखते होंगे कितने ज़बरदस्त से घर और हम बनाने शुरू हो गए हैं। उसमें मार्बल्स लगने लगे हैं, टाइल्स लगने लगे हैं, ग्लास लगने लगे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। पहले घर कैसे थे और अब घर कैसे हैं, लोगों ने इस सब को टेक्नोलॉजी से सीखा, यानी कि मज़ीद उसके अंदर तामीरात करनी शुरू करी हैं। अगर हम पुराने घरों की बात करें तो पुराने घरों से ये हमारे घर ज़्यादा कंफर्टेबल है, यानी कि आरामदेह हैं। इसमें हम चोरों डाकुओं से महफूज भी रह सकते हैं, सर्दी गर्मी से भी बचाते हैं और क्या कहते हैं, ये हमारे ज़िंदगी में मुश्किलात को कम करता है, यानी कि इतनी मुश्किलात हमें नहीं होती है जितने पहले ज़माने के लोगों को घरों बनाने में होती थी या फिर उसके अंदर रहने से होती थी। तो हमारे आज के घर बहुत ज़्यादा महफूज हैं। अगर हम पुराने घरों को देखना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं जिसमें आज भी वो खंडरात मौजूद हैं कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहा करते थे। इनमें वो जगहें हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगर आप वहाँ पर जाकर विज़िट करेंगे तो आपको उन जगहों के खंडरात वहाँ पर मौजूद मिलेंगे कि लोग वहाँ पर कैसे रहते थे, उनके घर कैसे हुआ करते थे। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपने घर में भी इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।